लकी तो आप अभी होगे। ये देखो बराती बैंकवेट से निकले हैं। तो आपको एक ना हिस्टोरिक जगह दिखाता हूँ और एक गेट दिखाता हूँ। ये सेफ आंसर था। वाह जी वाह, आ गए हमारे छोले भटूरे। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इमोशंस के साथ साथ ये लोग भी मिले, उसके साथ फन भी हो गया। पूरा टाइम तो मेरे साथ ये कवर बस कर लेते हैं हम। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉस्क्यू इन। So guys, welcome back to the new vlog. सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और एंजॉय हो रहे होंगे। तो गाइज, नया दिन नई शुरुआत। एंड सबसे पहले तो यार हम ये देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पे गुरुद्वारा मिले तो बाबा जी से ब्लेसिंग्स ले लें, क्योंकि आज का दिन उन्हीं की देन है भैया। इतने साल हमने काट लिए हैं, उन्हीं की देन है, और कुछ हमारे अच्छे कर्म होंगे तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इतनी एज हो पाई है। एंड अभी का क्या प्लान है, यहाँ पे सबसे जो स्पेशल, सबसे यहाँ जो पॉपुलर हैं ब्रेकफास्ट वाले, चाहे वो छोले भटूरे हो चाहे हो पूड़ी वाले हो, ये शालू आ रही है। शालू जी आ जाइए। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं यार, और वहाँ पे भटूरे खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अपने होम टाउन। वहाँ का चक्कर लगाना भी बहुत ज़रूरी है भैया, और मैं 9 साल बाद वहाँ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज है जो रिकॉल हो जाएंगी, और नॉस्टैल्जिक है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा है, बहुत कम्फर्टेबल रहा, बहुत इन्जॉय किया, आपने देख लिया होगा यार। और ये जो बदमाश है ना, ये पूरा कॉरिडोर है ना, पूरे में घूम रही है ये देखो। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। अरे नहीं, भानी 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 भानी, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो ये नहीं, इधर इधर इधर, नहीं 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 बस। अरे अनिशा, अनिशा कहाँ जा रहे हो? अनिशा विजय छोले भटूरे। बड़ा मतलब यहाँ का बहुत पॉपुलर है। सेल्फी सेल्फी साथ में। लिफ्ट गाइस जाने लायक थी ना, हमें वो ले जाने लायक थी, स्पेस ही नहीं था, भर जाते आराम से। चलो चलो चलो, आज का दिन भी एंजॉयबल होने वाला गाइस। इसको भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ये प्यार की हमें बहुत जरूरत है। ये देखो बराती बैंक्वेट से निकले हैं, रात को होटल में गए थे। देखा ऐसा स्वागत हुआ यार, हम निकल कहां से रहे हैं ये देखो। लिट्टी पार्टी सुना रहे, ये लिट्टी पार्टी क्या होती है? है निशा बताओ भाई। टाइपिंग एरर होगा। वाह जी वाह, देख लो लिट्टी पार्टी करने आएंगे अब। गाइस, जिस पॉपुलर स्पॉट की हम बात कर रहे थे ना, फतेहाबाद में है छोले भटूरे पूरी आलू, तो यहाँ पे मतलब विजय के नाम से बहुत पॉपुलर है। कभी आप फतेहाबाद आओ तो यहाँ पे डेफिनेटली आना भैया। और ये अंदर आपकी सिटिंग है, ये सारी आपकी सिटिंग है, मतलब आप बाहर भी बैठ के खा सकते हो, बहुत स्पेस है और टेक अवे भी हो सकता है। और ये सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ मनोज जी, ये इतनी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको यार। जी वाह, आ गए हमारे छोले भटूरे। खाओ मुसाफिर विद माई, वो अद्धे का आपका ना, देख लो सुबह से शुरू। खाओ अब, बताओ कैसा है, और क्या चाहिए आपको? अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। हाँ जी कैसा है? बढ़िया। अच्छा, हाँ दुबे कैसे है? तो गाइस, स्वादिष्ट से पूरी छोले खा के अब प्रस्थान करते हैं। और अब आप लोगों को मैं व्लॉग में बोल रहा हूँ, करोलबाग आना फटाफट, ठीक है? अब ये आ चुका है इसमें व्लॉग में, मना नहीं करना, ठीक है? ये प्रूफ है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और हम जल्दी प्लान बनाने वाले हैं, कहीं बाहर लेके जाने वाले हैं दिव्या, हम सब सारी जाएंगे और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होम टाउन है वहाँ का टूर करवाते हैं आपको, जहाँ से बहुत खट्टी मीठी यादें कनेक्टेड है। चलो चले जी। ये अग्रोवा वाला है टेम्पल, हनुमान जी वाला, तो एक काम करेंगे ना, अगली बार जरूर आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जरूर आना है यहाँ पे। जय बजरंग बली की। क्या यार, क्या बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे वहाँ पे है ना, जैसे हमारे वहाँ पे है 108 फीट, तो ये भी लग रहे हैं उतने। नेक्स्ट टाइम आना है, आएंगे भैया, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और अभी कितने किलोमीटर आएंगे भैया? 45 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी गाड़ी। बहुत चेंज हो चुका है गाइस, बहुत चेंज, मतलब 9 साल पहले बहुत चीजें नहीं थी और 9 साल में इतनी डेवलपमेंट, तो मानना पड़ेगा भैया। तो अब चलते हैं अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको चीजें दिखाते हैं, जहाँ हम रहते थे, जहाँ मैं पढ़ता था, जहाँ हम खाते थे, जहाँ घूमते थे, जहाँ बैठते थे। गाइस, जो ये मैं जूम कर रहा हूँ ना, भाई जी का वैष्णो ढाबा भैया, ये मतलब ये यहाँ पे एक ही ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, मतलब कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, रोका एंगेजमेंट, व्हाटएवर इट इज,
यहीं आके सेलिब्रेट होता था। और ये देखो यहाँ का सबसे पॉपुलर पिंटा चिकन कॉर्नर, भाई साहब यहाँ पे इतनी ज्यादा मेमोरीज है। मतलब हम मैच खेल के आते थे शाम को, सब कंट्री करते थे और यहाँ के चिकन विकन पूरा मतलब डिनर होता था। और ये कितना चेंज हो गया यार, जो मॉस्क्यू है ना जी, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉस्क्यू है। अच्छा, सीरियसली अगर वर्ल्ड में चार पांच मॉस्क्यू है ना, उसमें से एक ही है। और जब कवालीज होती है ना, तो बहुत बड़े दुनिया के बहुत बड़े कवाल यहाँ पे आते हैं कवाली करने यार। सीरियसली अगर कोई इसके बारे में पढ़ेगा ना, हांसी शहर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो उसको पता चलेगा। तो ये जगह यार मतलब यहाँ पे हमने 3-3.5 साल स्पेंड किया ना, तो वो सारी की सारी यादें ना मुझे पता चल रहा है कि हम यहाँ से निकलते थे, ऐसे आते थे, यहाँ क्रिकेट खेलने आते थे। लवली यार, इससे बेस्ट बर्थडे और क्या चाहिए। पूरी पिक्चर ना सामने रीड्रॉ हो चुकी है कि पहले क्या क्या होता था, हम कहाँ कहाँ बैठते थे, कहाँ कहाँ खेलते थे, बहुत चेंज हो चुका है। मतलब बर्थडे हो तो ऐसा हो है, 16 से 24 में इतना ड्रास्टिक चेंज, कमाल है भैया। मतलब यहाँ मेरे को तो लग रहा है और 10 साल बाद तो ये किसी न किसी मतलब सिटी को कंपीट करने लग जाएगा भैया। ये चीज गाइस आपको दिखानी थी जो होम टाउन है, और बहुत सालों बाद आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे दिखाते हैं आपको, चलो। आपको एक मैं हिस्टोरिक जगह दिखाता हूँ और एक गेट दिखाता हूँ यार, ये भी बहुत ही पुराना है और बहुत यादगार है यार। ये देखो बरसी गेट, मतलब यहाँ पे कांजी के बड़े वाले लगाता था, और अंदर जाके एक बिहारी की पाव भाजी है यार, वो बहुत पॉपुलर है। इस टाइम वो लगाता नहीं है, नहीं तो यार इस टाइम जाके खाते, नहीं तो वो शाम को लगाता है। और ये सारी मार्केट यार मतलब ऐसी की ऐसी है यार, मतलब कुछ चीजें तो चेंज हो गई है बट कुछ चीजें वैसी की वैसी है। हिस्टोरिक भगत सिंह रोड पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। और मैं आपको अपना स्कूलिंग दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने स्कूल किया था, जहाँ से स्कूलिंग की थी वो स्कूल दिखाता हूँ। वो जो जनरेशन थी ना 2008-9-10-11 तक, लास्ट मतलब 10 तक, वो कमाल का यूथ थे और कमाल का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे यार। ये आ रहा है स्कूल यार, कितना चेंज हो गया। पहले कितना नीचे था ना, जब बारिश आती थी ना तो यहाँ पे तालाब बन जाता था। तो गाइस खांसी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरवा लिया है, क्योंकि ये खाली हो चुकी थी यार, क्योंकि घुमा भी रही है यार, गर्मी भी इतनी है। और अब चलते हैं जहाँ से दिव्या ने स्कूलिंग करी है, वो दिखा के आते हैं, फिर उसके बाद ऑल द वे घर निकलेंगे। तो गाइस अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरे पीछे ये दिव्या का स्कूल है, जहाँ से दिव्या ने स्कूलिंग करी है। मतलब यहाँ भी मैं बहुत आता था यार, दिव्या को लेने के लिए आता था। यादें तो है यार, क्योंकि आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ इतने साल आपने स्पेंड किए हैं, जहाँ आपने बदमाशियां करी हैं, जहाँ आपने झूठ बोला टीचर से, पेरेंट से, और घूमने निकल गए हो, वहाँ की यादें तो रहेंगी ना हमेशा। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, फील कैसे हो रहा है? चलो लगता है ना ऐसे बाबा जी, हाँ ये बाबा जी है, बहुत बढ़िया। हेलो जी, एडोरेबल टू एडोरा, हेलो स्वीटी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। कितना अट्रैक्शन है तेरे में, सारे तेरे को देखने आ गए, फैन फॉलोइंग सारी। क्या खाती है, मिश्री खाती है, लाइसेंस है, प्रिंसिपल, ओके, घर की, ओके, हां घर के तो सारे पति की, अपने पति के हेड बचपन जो वो गोलियां खाते थे, ये बहुत डाइट कॉन्शियस है। मैं भी बिल्कुल अपना ही फूड खाती हूं। हम दोनों की एज बताओ, गेस द एज, ये सेफ आंसर था, सेफ आंसर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, इमोशंस के साथ साथ ये लोग जो मिले उसके साथ फन भी हो गया। अब बताओ यार, ऐसे बोला है हंसी तो भाई नॉस्टैल्जिया गया, नेक्स्ट लेवल लोगों का ह्यूमर, नेक्स्ट लेवल लोग हैं, नेक्स्ट हर मोमेंट में हंसते रहोगे। आपको कंटेंट के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, कंटेंट आपके पास चल के आ जाएगा लिटरली। चलो चलो चलो, अब देखते हैं ये लोग कहां लेके जाते हैं। हंसी तो मैंने देख लिया, बहुत ब्यूटीफुल है, और इन लोगों के जो इमोशंस बाहर आ रहे थे उसे देख के मुझे भी इमोशनल लग रहा था। अब यार यहां का कुछ खाने चलते हैं, यहां का फेमस। जिसकी बात कर रहे थे ना, बहुत पॉपुलर है हंसी के, हां जी वो यही है। अंकल बता रहे हैं जो ये काम है, ये जो नाम चल रहा है, 150 साल पुराना है। ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑथेंटिक देसी घी का। सबसे बड़ी बात ये है जी, प्योरिटी है, वही तो बात है अंकल। हमारा डेयरी का दूध बढ़िया, बढ़िया दूध, बिल्कुल देसी घी में, देसी घी में। चलो सिर्फ 55 मिनट्स रह गए हैं, सिर्फ 55 मिनट्स रह गए हैं भैया। हम आ गए हैं घर, और जब मैंने सोचा कि फैमिली के साथ भी एक सेलिब्रेशन हो जाए, तो मैंने एक छोटा सा केक ऑर्डर किया है, तो वो कट कराते हैं, उसके बाद यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, आज बहुत ज्यादा ही थकान हो चुकी है।
केक कटिंग और ये आपके लिए गिफ्ट। नो एक्साइटमेंट टाइम तो मेरे साथ बस कर लेते हैं हम। आ जाओ सारे प्रेम में, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आदि, हैप्पी बर्थडे टू यू। मजा आ गया तुम्हें बर्थडे पे? मैं तो भैया इतना थका हुआ था, मैं जाके सो रहा था, मैंने कहा मुझे उठाना मत बिल्कुल कल सुबह तक। चलो चलो खिलाओ खिलाओ खिलाओ, इनको खिलाओ खिलाओ, ये तो खा ही रहे हैं दो दिन से। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ सबसे बड़े, आज आप पैदा हुए हो, अरे सबसे पहले बड़े, अब तो पैदा हो भी गए। तो यार गिफ्ट आप अभी ओपन करने वाले हो या कब? ये सच्ची में मेरे लिए आई ओपनिंग है, ये आपने अरेंजमेंट कहाँ से किए मुझे समझ नहीं आ रहा। और यार ये डिटेल में नहीं जाते, अभी आपके लिए और गिफ्ट आने वाले, तो आप एक ही साथ ओपन करना। हाँ जी, मेरा आखिरी नहीं है इसके। नहीं ऐसे नहीं कहते। ये कितने आगे वाले बर्थडे का गिफ्ट मिल रहा है मुझे? नहीं अभी और आ रहे हैं आपके। आ रहे हैं? हाँ, सो डैम लकी है। लकी तो आप अभी होगे। नहीं 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 नह